खबर गाजीपुर से है, जहां छठ पर्व को लेकर श्रद्धालु तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि छठ पर्व के दौरान बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ बनी हुई है। वहीं बाजारों में पूजा सामग्री, फलों की दुकानों पर श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा के लिए श्रद्धालु गंगा घाटों पर वेदिका बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि सूर्योपासना के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व पर पूजा शुरू होगी, जबकि अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती श्रद्धालु पूजा का समापन करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। पुष्पा देवी। पुष्पा जी, आज किस चीज की खरीदारी आप लोग कर रही हैं? छठ का पूजा का। कितने सालों से कर रही हैं? हम तो 35 साल से कर रहे हैं। क्या मतलब छठ पूजा किस लिए करते हैं, क्या मान्यता रहती है इसकी? भाई अपना परिवार सही रहे, खुशी रहे, यही सब खाते ना। इसको लेकर मतलब आप लोग कैसे तैयारी कर रही है, मतलब क्या क्या आपने किया और क्या आगे करेंगे? आज खरना है, कल छठ पूजा है। जी जी। इसके लिए शुद्धता की कितने आप लोग ध्यान रखती हैं इस पूजा में? बहुत ध्यान करते हैं हम लोग। अपना नाम बता दें। मेरा नाम अंजू है। अंजू जी कहाँ के रहने वाली है? मैं गाजीपुर से। ऐसे में छठ पूजा का पर्व जो कल है, उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों ने किया है? हम लोगों का तैयारी कल से ही चल रहा है, जब से लौकी भात हुआ है तब से ही हम लोगों का तैयारी चल रहा है। और अभी जब तक सुबह का अर्घ नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा ये तैयारी। अभी मार्केट में आई है, किस चीज की खरीदारी क्या क्या कर रही है? बस अभी तो वही फल की खरीदारी है और पूजा का जो सामान है उसका खरीदारी चल रहा है। इस पर्व का क्या महत्व रहता है? ये एक आस्था का पर्व है और सब अपनी अपनी आस्था से इस छठ पूजा को मनाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको छठ माह से ऐसी कुछ मन्नत होती है और उनका पूरा हो जाता है, तो कुछ ये आस्था का इसलिए पर्व माना जाता है। तो इंसान अपनी खुशी से मना रहे हैं, कुछ लोग अपनी खुशी से मना रहे हैं, पर कुछ लोग जिनकी मन्नत पूरी हो जा रही है वो लोग ऐसे उठा रहे हैं। कितने सालों से आप लोग कर रही हैं? मेरा तो बहुत साल नहीं हुआ है, पर फिर भी मेरा ये 7वां साल है।